हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मुझे आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन में। आज हम लाए हैं पाठ 14, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है एडिसन का विश्वास। और चलिए, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं का आविष्कार किसने किया, मिलान करो। बच्चों, हमें चित्र में क्या क्या दिख रहा है? टीवी भी दिख रहा है, बल्ब भी दिख रहा है, और ये एक मोबाइल भी दिख रहा है, और ये तो एक मुझे एक एटीएम मशीन लग रही है। तो हमें देखना है, क्या आप बता सकते हैं कि किस किस ने किसका आविष्कार किया? भाई, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले टीवी है तो हम बताते हैं आपको टीवी का आविष्कार बच्चों जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। और उसके बाद बल्ब है, आज जो हमारा पाठ है बल्ब, उसमें आप जानेंगे बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। और मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। और जॉन शेफर्ड बैरन ने किसका आविष्कार किया था? ये एटीएम मशीन का। तो इस तरह हमने देखा कि इन वस्तुओं का आविष्कार इन महान वैज्ञानिकों ने किया था। और अब हम चलते हैं आगे। पता है, बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे, तब कहीं जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। एक बार जब वे बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा। क्या पूछा? आप अब तक लगभग 1000 बल्ब बना चुके हैं, पर बल्ब नहीं बना, आपके सारे प्रयोग असफल हो गए, आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत बेकार हो गई? आपको दुख तो अवश्य होता होगा। एडिसन ने कहा, ऐसा आप समझते हैं कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं? मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ, ना ही मेरी मेहनत बेकार गई है। मैंने अपने हर प्रयोग से सीखा कि बल्ब इस तरह नहीं बनता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। देखा आपने, उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया उस व्यक्ति को। इतने प्रयोग करने पर भी असफल होने पर कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है। सही में, अगर इतने सारे प्रयोग किसी के असफल हो जाए तो वह निराश हो जाता है, अपनी हार मान लेता है। लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास लगातार जारी रखे और सफल होने तक हार नहीं मानी। आखिर एडिसन की मेहनत रंग लाई और बल्ब का आविष्कार हो गया। ये थॉमस एडिसन का ही विश्वास था कि उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया, और उनके बनाए बल्ब ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी एडिसन को ही प्राप्त है। ऐसा नहीं कि उन्हें सब सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती रहीं। उनकी जीविका कठिन और श्रमपूर्ण थी, बहुत मेहनती थी। उन्हें नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। 6 वर्ष तक घर पर और मात्र 3 माह तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हुई। एडिसन ने मात्र 10 वर्ष की आयु तक ही महान ग्रंथों और शब्दकोशों का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की आयु में वे समाचार पत्र और फल आदि बेचकर परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने लगे थे। रेल में पत्र छापना, तार कर्मचारी के रूप में कार्य करना, शेष समय वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षण करना, यही उनकी जीविका थी, जिसने उन्हें विश्व के महान आविष्कारों में प्रमुख स्थान दिलाया। तो आपने देखा, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन कितने कर्मठ और कितने परिश्रमी वैज्ञानिक थे। हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द। वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रयोग, कर्मठ हिस्सा मेहनत, मंदबुद्धि प्रयास, व्यक्ति महत्वपूर्ण आविष्कार, अवश्य रोशन बल्ब और परीक्षण। और अब आते हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। वैज्ञानिक यानी विज्ञान से संबंध रखने वाला व्यक्ति, कर्मठ यानी अपने काम में लगा रहने वाला, मंदबुद्धि यानी कि कम अक्ल वाला, आविष्कार अर्थ है खोज, हिस्सा यानी भाग, प्रत्येक हर एक, प्रयास का अर्थ है कोशिश,
और रोशन का अर्थ है प्रकाशमान। और अब आ रहा है हमारे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिसन का पूरा नाम क्या था, हमसे प्रश्न पूछा है। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। सकारात्मक सोच होना क्यों ज़रूरी है बच्चों? सकारात्मक सोच होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तभी हम अपने कार्य पे लगे रहेंगे, हम अपना ध्यान उधर करेंगे। अगर हम नकारात्मक हो जाएंगे कि अरे नहीं बनेगा, तो हम उस कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए। एडिसन की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? एडिसन की हमें बहुत सारी बातें अच्छी लगी। वो एक कर्मठ व्यक्ति थे, वो एक परिश्रमी व्यक्ति थे, उनकी सोच सकारात्मक थी और वो कभी भी किसी के कहने से या कहने अपने अपने जो अपने उनका पथ था उससे अडिग उस पर अडिग रहते थे, उससे हटते नहीं थे। एडिसन की असफलता पर अन्य लोग क्या सोचते थे? एडिसन की असफलता पर लोग सोचते थे अरे इतने टाइम से काम कर रहा है, प्रयोग किए जा रहा है, लेकिन इसका तो कार्य हो ही नहीं रहा, ये सिद्ध नहीं कर पा रहा, ये बल्ब बनाने का कितना प्रयोग कर रहा है लेकिन हमेशा असफल ही हो रहा है, इसका कोई प्रयोग सफल हो ही नहीं रहा है। मेहनती और कर्मठ होने से एडिसन को क्या लाभ हुआ? मेहनत और कर्मठ व्यक्ति होने से एडिसन जो थे अपने प्रयोग में इतना सारे प्रयोग करने के बाद वो अंत में वह सफल हो ही गए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। महान वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? महान वैज्ञानिक बनने के लिए हमें सबसे पहले सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमें परिश्रमी होना चाहिए, हमें कर्मठ होना चाहिए। चाहे लोग कितने व्यक्ति कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने निश्चय पर अडिग ही रहना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए। और हमारा आखिरी है, बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने कितने प्रयोग किए? बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने कम से कम 1000 प्रयोग किए थे। और अब हमसे पूछा गया है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले एडिसन कैसे व्यक्ति थे? मिलनसार, सहनशील, कर्मठ या खिलाड़ी? एडिसन कर्मठ व्यक्ति थे। एडिसन के किस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया? कैमरा, बल्ब, टॉर्च या लालटेन? एडिसन के बल्ब के आविष्कार ने दुनिया को रोशन कर दिया। एडिसन की जीविका कैसी रही? कठिन, श्रमहीन, सरल, कठिन और श्रमपूर्ण? एडिसन की जीविका कठिन एवं श्रमपूर्ण दोनों, बहुत कठिन भी थी और श्रमपूर्ण थी, मेहनत से भरी हुई थी। एडिसन ने महान ग्रंथों और शब्दकोशों का अध्ययन किस आयु में किया? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष? उन्होंने महान ग्रंथों और शब्दकोशों का अध्ययन मात्र 10 वर्ष में ही कर लिया था। और अब हमसे पूछा गया है, हमारा अगला प्रश्न है, अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो एडिसन की क्या रंग लाई बच्चों? एडिसन की मेहनत रंग लाई। थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उन्होंने किसकी किरण को बुझने नहीं दिया? उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया। मैं अपने प्रत्येक के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने प्रत्येक प्रयोग के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। अब हमें क्या करना है, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। एडिसन एक अध्यापक थे? जी नहीं। एडिसन को स्कूल से मंदबुद्धि कह के निकाल दिया गया था? जी हाँ, उन्हें स्कूल से मंदबुद्धि कह के निकाल दिया गया था। एडिसन के सारे प्रयोग सफल रहे? जी नहीं, उनके सारे प्रयोग सफल नहीं रहे, उनके बहुत देर में कोई प्रयोग सफल हुआ था, तो ये गलत है। एडिसन ने कंप्यूटर का आविष्कार किया? जी नहीं, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो यह भी गलत है। एडिसन कर्मठ व्यक्ति थे? जी हाँ, एडिसन एक कर्मठ व्यक्ति थे। अब हमें आशय को स्पष्ट करना है। मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ आगे बढ़ता हूँ, जी हाँ उन्होंने कहा था, इसका अर्थ है कि मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक एक प्रयोग के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रत्येक एक एक प्रयोग के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया, उनके बल्ब बनाए बल्ब ने पूरी दुनिया को रोशन किया। उन्होंने अपनी आशा की किरण, यानी कि वो जितना प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे,
उनको लोगों ने बोला, उनको दूसरे व्यक्तियों ने भी बोला कि आपका कोई प्रयोग तो सफल ही नहीं हो रहा, आपने इतने सारे प्रयोग किए उसके बावजूद आपका प्रयोग सफल नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वह निराश नहीं हुए और वो एक आशा के साथ कि मैं कभी ना कभी सफल होऊंगा और कभी ना कभी मेरा बनाया हुआ बल्ब हमेशा सक्सेस होगा, सफल होगा। तो वह इस उन्होंने अपनी आशा की किरण को बुझने नहीं दिया, इसका यह अर्थ हुआ। और अब प्रश्नों के उत्तर। असफल होने पर कौन हार मान लेता है? असफल होने पर निराश व्यक्ति जो बहुत जल्दी हिम्मत खो देता है वह जो है वो हार मान लेता है। एडिसन ने दुनिया को कैसे चकित किया? एडिसन ने दुनिया को बल्ब का आविष्कार करके रोशन करके दुनिया को रोशन करके दुनिया को चकित कर दिया। बचपन में एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? बचपन में एडिसन को उनको मंद बुद्धि बालक कह के स्कूल से निकाल दिया गया था। सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एडिसन ने क्या जवाब दिया? सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एडिसन ने कहा, मेरा कोई ठीक है, मेरे कोई प्रयोग सफल नहीं हो रहे, लेकिन मैं मेरा बल्ब जो है अभी नहीं बन पा रहा, लेकिन मैं इन प्रयोगों के साथ असफल हो रहा हूँ, लेकिन इनके साथ मैं एक कदम आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे ये पता चलता जा रहा है कि मेरे इस प्रयोग से बल्ब नहीं बना, तो मैं और आगे प्रयोग कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हो रहा, बल्कि मैं और आगे बढ़ने की जो है हिम्मत करता जा रहा हूँ, मैं और प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने उस व्यक्ति को बोला। स्कूल से निकाला जाना एडिसन के लिए वरदान साबित हुआ। जी हाँ, स्कूल से निकाल जाने पर वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर उन्होंने वैज्ञानिक जो थे प्रयोगशाला में बैठ के उन्होंने जो था आगे से आगे प्रयोग करने शुरू कर दिए, तो इससे वह बिल्कुल बंधन नहीं रहा और उन्होंने अपने प्रयोगशाला में जाके बल्ब बनाने के और बहुत दूसरे बहुत सारे प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए थे। बल्ब बनाने के प्रयोगों के दौरान असफल हो रहे एडिसन से एक व्यक्ति ने क्या पूछा? उस व्यक्ति ने कहा कि आपने इतने सारे प्रयोग किए हैं, आपने 1000 प्रयोग किए, लेकिन उसके बाद भी आप बल्ब नहीं बना पा रहे हो, आपके इतने प्रयोगों के बाद आप नहीं बल्ब बना पा रहे हो, तो आपको तो इसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने एडिसन से ये सवाल किया। बच्चों, आशा करते हैं आपको यह पाठ, ये शिक्षा पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपको यह भी पता चला होगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, और वो कैसे व्यक्ति थे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करेंगे और आप भी कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी निराश नहीं होंगे। जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक आप उसमें लगे रहेंगे। तो इसी आशा के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आभार।